तो गाइस की हालचाल। तो आज हम उस इंसान को रोस्ट करने जा रहे हैं जिसके कंटेंट को देखकर हर एक व्यक्ति की अंतरात्मा से बस एक ही आवाज निकलती है, का बवासीर बना दिए हो। और मुझे तो नहीं लगता कि आप लोगों को इस इंसान की फोटो दिखाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप लोग इस इंसान को बस एकमात्र इसके नाम से ही पहचान जाओगे। तो गाइस इसका नाम है महेश। महेश गल्ले? नहीं, मैं इस वाले महेश की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं इस वाले महेश चवन की बात कर रहा हूँ। गाइस ये बंदा आज तक का सबसे ज्यादा रोस्ट किया जाने वाला बंदा है। जितना ज्यादा रोस्टर्स इसको रोस्ट करते हैं, उतना ज्यादा कोई कचौड़ियों को भी रोस्ट नहीं करता है। भाई साहब, आपको हर रोस्टर के चैनल पर चौथी पांचवी वीडियो के बाद इसकी एक रोस्ट वीडियो मिल ही जाएगी। गाइस इतना तो समंदर में पानी नहीं होता जितना यूट्यूब इसकी रोस्ट वीडियो से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी इतना रोस्ट होने के बावजूद इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। रोस्टर्स तो रोस्टर्स, बल्कि इसकी ऑडियंस भी इसको कमेंट बॉक्स में ही रोस्ट कर देती है। तो इन सब नजारों को देखते हुए मैंने सोचा क्यों ना बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए। तो आओ यार, समय की रफ्तार को देखते हुए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। जो सर आ चुके मेरे पास टैटू बनाने के लिए यूएसए से, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका से इतने दूर से मेरे पास टैटू बनाने गए, और खास करके सर यहाँ पे 10 दिन के लिए घूमने भी आए गए। तो घूमना तो एक सिर्फ बहाना था सर, टैटू तो उनका इम्पोर्टेंट था। महेश भाई, आपने अपनी ऑडियंस को किस लेवल का चूतिया समझ रखा है? आपको क्या लगता है, आपकी ऑडियंस गांजा फूंक कर या दिमाग में गोबर भर कर आपकी वीडियोस देखती है? नहीं, आप जो कह दोगे वही ऑडियंस मान लेगी। भाई ये बंदा यूएसए से इंडिया आया है स्पेशली महेश भाई से टैटू बनवाने के लिए। वाह महेश भाई, क्या यूएसए के सारे टैटू आर्टिस्ट हिमालय पर्वत पर संन्यास लेने चले गए क्या, जो इस बंदे को मजबूरन तुम्हारे पास टैटू बनवाने आना पड़ा? और गाइस ये चिंपैंजी सा दिखने वाला बंदर किस एंगल से तुम्हें ये अमेरिकन लग रहा है? गाइस जिस तरह इसकी शरीर और रंग है ना, उस हिसाब से लग रहा है कि महेश भाई इसको जंगल से आदिवासी हेयर ऑयल की टीम से पकड़ कर लेकर आए हैं, क्योंकि वहां के लोग एक चीज में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं, झूठ बोलने में, और महेश भाई को ऐसे ही लोगों की जरूरत होती है। तो गाइस अब आपको इन्हीं ऑडियंस के कुछ कमेंट्स दिखा देता हूं, वरना कुछ लोग कहेंगे कि आप तो रोस्टर हैं ही, आपका तो काम ही है रोस्ट करना। तो चलो गाइस आपको इन्हीं की ऑडियंस के कुछ कमेंट्स दिखाता हूं। ग्रीन कार्ड ना 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 ना, आधार कार्ड। दुनिया चुनौतियों से कम, चूतियों से ज्यादा परेशान है। सारे चूतिये तेरे ही स्टूडियो में आते हैं भाई। नहीं गाइस, सारे चूतिये इन्हीं के स्टूडियो में नहीं आते हैं, बल्कि महेश भाई इन्हीं सारे चूतियों को बार बार अपने स्टूडियो में बुलाते हैं, क्योंकि महेश भाई खुद प्रचंड लेवल के चूतिया हैं। Hey guys, so ये खूबसूरत मैम आ चुकी है मेरे पास टैटू बनाने के लिए गुजरात से, और आज मैम जो टैटू बनाने वाले गए वो है उनके बॉयफ्रेंड का नाम। वैसे देखा तो उनके बॉयफ्रेंड का नाम है साहिल, तो मैम को ये साहिल नेम अपने चेस्ट पे चाहिए। सो ओवरऑल देखा तो मैम आज इसलिए बना रही, आज उनका बर्थडे, तो इसकी वजह से वो अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज दे रही है, वो भी अपने बर्थडे पे गई। सो वैसे देखा है तो उनके अभी 2 दिन बाद उनकी सेकंड एनिवर्सरी है, मतलब उनकी शादी नहीं हुई है, पर शादी के पहले जो उनका प्यार होता है वो 2 साल उनको कंप्लीट हो चुके, इसकी वजह से मैम अपने खुशी से ये टैटू बना रही है। और उनको ये पता है कि साहिल ये टैटू देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाएगा, इसकी वजह से मैम तो बहुत ज्यादा खुश एंड बहुत ज्यादा एक्साइटेड गाइस। मैम ये टैटू करते हुए बहुत ज्यादा हंस भी रही थी, बहुत ज्यादा खुशी थी मतलब। सो फाइनली ये साहिल का टैटू कंप्लीट हो गया गाइस, तो ये कैसा लगा इस कमेंट में जरूर बताना। गाइस आपने महेश भाई के स्टूडियो में एक बात जरूर नोटिस की होगी कि महेश भाई के स्टूडियो में लड़कों से ज्यादा लड़कियां आती हैं, और वो पूरे शरीर में सिर्फ एक ही अंग पर टैटू बनवाती हैं, अपनी छाती पर, क्योंकि इसमें दोनों लोगों को मजा आता है, महेश भाई को भी और टैटू बनवाने वाली को भी। और अगर आपका भी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है तो उसके नाम का टैटू बनवाने के लिए महेश भाई के पास मत चले जाना, वरना अगले ही महीने आपको अपनी एक्स की जगह नेक्स्ट का नाम लिखवाना पड़ेगा, क्योंकि महेश भाई जिस भी कपल्स के नाम का टैटू बनाते हैं ना, उसका ब्रेकअप होना तय है। भाई साहब, आपको महेश भाई के इंस्टाग्राम रील्स में टैटू बनवाने से ज्यादा टैटू कवर अप कराने की वीडियोस मिल जाएंगी, और ये ओपिनियन सिर्फ मेरा नहीं है बल्कि महेश भाई की ऑडियंस का भी यही कहना है। अब आप कुछ कमेंट्स देखो। एकदम से कवर अप का वीडियो आएगा। या। साहिल के पहले तू ही दबा दे BST के। टैटू स्टूडियो नो, दूध डेयरी। तो चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। Hey guys, so ये मैम आ चुकी है मेरे पास टैटू बनाने के लिए नासिक से, आज जो मैम जो टैटू बनाने वाले गाइस वो है कवर अप टैटू। मैम के चेस्ट पे ऑलरेडी एक टैटू गाइस, तो ये देख सकते हैं उनके बॉयफ्रेंड का नाम है गाइस। ये मैम को 100% अभी कवर अप करना है, क्योंकि मैम का अभी रिसेंटली ब्रेकअप हो चुका है, इसकी वजह से मैम को अभी 100% मिटाना है, तो इसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे फ्लावर डिजाइन लेके। और ये तो होना ही था, मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि महेश भाई ने जिसका भी टैटू बनाया उसका तो ब्रेकअप होना तय है, यही तो महेश भाई की खासियत है। और ब्रेकअप इसलिए होता है क्योंकि ये वीडियो जैसे लड़की के बॉयफ्रेंड के पास पहुंचती है और लड़के महेश भाई की प्रदर्शन को देखकर तुरंत लड़कियों से ब्रेकअप कर लेते हैं। तो गाइस अब महेश भाई की ऑडियंस के भी कुछ फनी कमेंट्स पढ़ लेते हैं। टैटू स्टूडियो ना 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 ना, दूध डेयरी। एक मिनट गाइस, ये बंदा महेश भाई की वीडियोस पर यही सेम कमेंट करता है। महेश भाई की मेहनत और लगन से दूध के ऊपर काम करते हुए देखकर इस बंदे ने कसम खा ली है कि जब तक मैं महेश भाई के स्टूडियो को दूध डेयरी नहीं घोषित कर देता, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। चलिए नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। मैम रंडी है गाइस।
दुख मिले हजार पर टैटू आर्टिस्ट ना मिले छिना। मैम का टैटू मिल्क फैक्ट्री। एक दिन पक्का पहला जाएगा तू लिख के रख। हे गाइस, ये लाल परी दिख रही गई। लाल परी इसलिए बोल रहा हूँ कि मैम बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसकी वजह से मैंने उनको लाल परी बोल रहा। और ये खूबसूरत लाल परी के ऊपर एक छोटा सा डाग है, मतलब एक टैटू है, जो मैम को अभी 100% बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे लेजर ट्रीटमेंट करें, जो कि लेजर से खूबसूरत लाल परी के जो चेस्ट पे जो डाग है गाइस वो 100% मिट जाएगा। एक्सटेंड गाइस, ये लाल परी पहले भी आ चुकी है, ये देखो। हे गाइस, ये खूबसूरत मैम आ चुकी है मेरे पास टैटू बनाने के लिए गुजरा। लेकिन गाइस, बस फर्क इतना है कि ये लाल परी पहले आई थी अपने बॉयफ्रेंड का नाम लिखवाने के लिए, और अब आई है ब्रेकअप होने के बाद उसे कवर अप कराने के लिए। और गाइस, महेश भाई की वीडियोस में इतनी ज्यादा प्राइवेसी होती है कि महेश भाई का कैमरामैन लड़कियों का एक एक पार्ट अलग अलग एंगल से जूम कर करके दिखा देगा। उस पर महेश भाई का एडिटर ब्लर नहीं करता है, ये एडिटर सिर्फ चेहरे पर ब्लर करता है। उसके अलावा चाहे महेश भाई लड़कियों के पॉम्पॉम बाहर ही क्यों ना निकाल दे, उस पर ब्लर नहीं करेगा, क्योंकि महेश भाई को उन्हीं पॉम्पॉम के सहारे व्यूज भी तो लेने हैं। कुछ ज्ञानी लोग ज्ञान देंगे कि महेश भाई चेहरा इसलिए नहीं दिखाते हैं ताकि पब्लिक में लोग इनको पहचान न पाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। महेश भाई एक ही लोगों को बार बार कपड़े बदल बदल कर अपने स्टूडियो में लाते हैं, इसीलिए वो लोगों का चेहरा नहीं दिखाते हैं। और महेश भाई बार बार लोगों को इसलिए नहीं बदलते हैं कि बार बार लोगों को बदलने से ज्यादा पैसे लगेंगे, और महेश भाई पैसे देना नहीं चाहते। लेकिन कुछ भी कहोगे, जिंदगी के असली मजे तो महेश भाई ही लूट रहे हैं, रोज रोज नए नए दूध की फैक्ट्रियों के दर्शन जो हो रहे हैं। पहले लोंडो की ड्रीम जॉब होती थी फौज, पुलिस, सरकारी नौकरी, की सरकारी नौकरी पाकर माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। लेकिन जब से लोंडो ने महेश भाई की वीडियोस देखी है ना, लोंडो के ड्रीम जॉब से ही बदल गए हैं। अब लोंडो की जिंदगी में बस एक ही ड्रीम जॉब रह गई है कि बस किसी तरह से महेश भाई की तरह टैटू आर्टिस्ट बन जाऊं। आप खुद ही देख लो लोंडो के कमेंट्स, भाई ये जॉब दिला दो यार, शाबाश बेटा, मुझे यही काम करना है यार। यस। अरे भाई संभाल के, दूध की थैली फट जाएगी। लाल परी के टमाटर भी लाल लाल हैं। ये रसीले लाल टमाटर। लाल लाल टमाटर बड़े मजेदार। तो हे गाइस, तो वापस एक बार मुक्ता आ चुकी है मेरे स्टूडियो। एंड मुक्ता जब भी आती है तो हमेशा एकदम खुशियों के माहौल चालू हो जाते हैं, मतलब एकदम हंसी मजाक चटर पटर या फालतूगिरी कुछ भी चालू हो जाती है, पर मजा आता है जब भी वो स्टूडियो आती है। मुक्ता फिर से आ चुकी है। महेश भाई, मुक्ता तो आप ही के साथ रहती है, बस रात का पता नहीं। और मुक्ता के आते ही खुशी का माहौल क्यों ना छा जाए, चारों तरफ से आप ही के तो मजे हैं। टैटू बनवाने वाली आए तो उनसे मजे लो, और वो ना आए तो मुक्ता तो है ही, और आपकी बीवी तो आपको कुछ भी कहती भी नहीं है। आप चाहे मुक्ता से मजे लो या फिर लड़कियों के लाल टमाटर से। जिंदगी तो हम सिंगल और बेरोजगार लड़कों के ही झंडे है, ना कोई ढंग की नौकरी मिल रही है और ना कोई छोकरी। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, अब मैं और इस चमन चूतियों को नहीं झेल सकता। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को बताओ, और अगर ना अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।